Hi, what is up? My name is Tushar and this is my new vlog. So guys, आज के vlog में मैं expose करने वाला हूँ मिथिलेश backpacker को, जो कि YouTube पे काफी बड़ा travel blogger है. So guys, बात कुछ इस तरह से ही कि मिथिलेश backpacker ने अपने official Instagram पे एक trip announce की थी, जो कि China की जो trip उसने announce की थी, उसने announce किया था कि वो अपने साथ एक partner रखना चाहता है. उस post पर उसने लिखा था कि जो भी मेरे साथ आना चाहता है, आप मुझे मैसेज कीजिए एंड हम साथ में ब्लॉग बना सकते हैं, साथ में ट्रेवल कर सकते हैं. अभी जो ट्रेवल ब्लॉगर होगा उसके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने भी उसको मैसेज किया था इस बात के लिए कि काश मेरा भी नंबर हो, मैं भी ट्रेवल कर पाऊँ. तो गाइस, मैं मिथिलेश बैकपैकर का एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. मैं काफी टाइम से उसको फॉलो कर रहा हूँ, काफी टाइम से उसको देख रहा हूँ. सो गाइस, मैंने उसको देखते हुए उसने एक अकाउंट मेंशन किया था, जो रोहित जैन करके कोई उसका मैनेजर है, उसका अकाउंट उसने मेंशन किया था. मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको प्रॉपर एक मैसेज किया कि मैं आपके साथ आपकी ट्रिप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपकी ट्रिप में शेयर करना चाहता हूँ. उसमें अगर मैं उनकी ट्रिप को ज्वाइन करता हूँ तो उसमें मेरे जो चार्जेस होंगे, मेरे ट्रेवल चार्जेस, मेरी फ्लाइट चार्जेस, फ्लाइट के जो खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होगा, ट्रेवल होगा, वो उनको सब मेरे को ही बेयर करना है. होटल के वगैरह सारे एक्सपेंसेस मैं ही बेयर करूंगा. उसमें मिथिलेश बैकपैकर का मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सही सब खर्चे अलग होंगे. आफ्टर माई मैसेज उसका मेरे को रिप्लाई आता है, एक पूरी लिस्ट आती है, तो मैं आपको वो लिस्ट भी बताऊंगा. ट्रिप के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाता हूँ, सडनली मैं उस ट्रिप के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गया. और उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि उसमें मिथिलेश के साथ आप शॉर्टलिस्टेड हो गए, आप मिथिलेश के साथ ट्रेवल कर सकते हैं और आपको मिथिलेश से मिलने के लिए आपको 80,000 पहले आपको जमा कराने पड़ेंगे. मतलब उस बंदे से मेरे को मिलने के लिए 80,000 रुपए उसको पास सिर्फ मिलने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 80,000 रुपए सिर्फ मेरे को मिलने का देना है. एंड उसके बाद अगर वो मेरे साथ ब्लॉग बनाएगा तो उसको 35,000 रुपए अलग से देने हैं कि वो अपने सब्सक्राइबर को मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसके 35,000 वो मुझसे अलग से लेगा. उसमें एक शर्त ऐसी भी थी, अगर चाइना में मैं उसके साथ दो सिटीज कवर करता हूँ और दो सिटीज में साथ में ब्लॉग बनाऊंगा तो उसके 40,000 वो मुझसे अलग से लेगा. तो गाइस, ये पूरा स्कैम मिथिलेश बैकपैकर चला रहा है. पता नहीं क्या पैसे कमाने का इतना क्या सीन है, मुझे उसको कुछ समझ में नहीं आया. ये सारे मैसेज उसी तरफ से आया, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, ये डिस्प्ले पे आपको मैसेज शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं. कुछ टाइम पहले तक मैं उस बंदे की काफी रेस्पेक्ट करता था, मतलब काफी रेस्पेक्ट करता था मैं उस बंदे की, और आज मैं नहीं. वो रेस्पेक्ट मतलब होता है ना गाइस, रेस्पेक्ट गिर गई मेरी नजर में, सारी उसकी रेस्पेक्ट जो होती ना वो पूरी यहाँ आ गई. सो मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, ये जितने भी ट्रेवल ब्लॉगर हो गए, जो भी हो गए, इन सब से बचे, इन सब के स्कैम से दूर रहे. ये सब स्कैम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं. मैं मिथिलेश बैकपैकर को वॉर्न करता हूँ, अगर वो अपना धंधा नहीं बंद करेगा तो मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा और मैं उसको और एक्सपोज करूंगा. तो गाइस, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं और मिथिलेश बैकपैकर की जो सच्चाई है उसको अपने सब्सक्राइबर्स को, उनके सब्सक्राइबर तक पहुंचाए, ताकि उनके सब्सक्राइबर्स, तो उनके फैंस को भी पता चले कि उनका जो ट्रेवल ब्लॉगर है, उनका जो आइडियल है, वो किस तरह से लोगों के साथ स्कैम करता है और किस तरह से लोगों के पैसे ठगता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज तुषार, एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है और ये एक्सपोज वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय.